Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on our first chapter of history, that is from the beginning of time. And we have already seen ki kaise hume ye pata chala ki haan, early human beings kaise develop hue the, kis kis phases se gaye the, aur initially jo hume evidences mile the, whether in form of skull or whether in form of tools, the scholars actually hesitated to believe ki haan, human beings jo hai, primates, ape jaise structure se develop hue the. Because somewhere in our religious books it is written, or specifically us time ki agar baat kare, to Bible mein likha hai ki humans are directly created by God. To yani is cheez ko refute karna ho jayega agar hum evolution wali baat ko believe kare to. But later on Charles Darwin ne jo theory di, उससे फाइनली ये चीज प्रूव हो गई और लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि हाँ, जो ह्यूमन बीइंग्स, आज जो हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, दैट इज मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, या अगर टेक्निकल टर्म्स में हम बोले होमो सेपियंस, तो ये डेवलप हुए थे आफ्टर यू कैन से मिलियन इयर्स ऑफ एवोल्यूशन, और अलग अलग फेजेस में डेवलप हुए थे, जिनमें हमने पढ़ लिया था अबाउट हुआ प्राइमेट्स, who are homonoids, who are hominids, and उसके बाद हमने देखा था about two important species जिनके बारे में हमने discuss किया था. The first one, hominids में अगर हम देखें Australopithecus, Australopithecus के बारे में हमने detail में पढ़ा था कि कहाँ पे उनके evidences मिले हैं, skull मिले हैं, teeth मिले हैं, और वो कैसे different है पिछले वाले जो species हैं उनसे, और आगे आने वाले स्पीशीज से कैसे अलग होंगे और कहाँ कहाँ पे हमें मिले हैं, और बेसिकली इसकी जो नेमिंग है ये कैसे हुई थी, ये भी हमने देख लिया था. बेसिकली ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब सदर्न एप्स, और एप्स हम इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो एप्स जैसी ही थी, जैसे कि ज्यादा टाइम ट्री पे स्पेंड करना, और जो समवेयर ठीक है बायपेडल थोड़ा बहुत चलते थे ये, पर ज्यादातर ये अपराइट वॉकिंग जो है वो उनकी रिस्ट्रिक्टेड थी. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ मीनवाइल व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द यू कैन से एवोल्यूशन, ऑब्वियसली देयर शुड बी समथिंग जिसके कारण हम बोलेंगे एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जब कोई भी क्रीचर मूव करता है तो कोई मोटिवेशन फैक्टर होता है, या कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसके कारण वो एक स्टेप लेवल अप हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. तो इस टाइम पीरियड में जो हम उसकी बात करते हैं वो होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? इसमें हम देखेंगे कि हर स्टेप पे कैसे एक स्टेप और दूसरा स्टेप रिलेटेड है, और एक चीज में डेवलपमेंट होने से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जिस चीज से वो स्टार्ट हुआ था उस पर भी पड़ेगा, और दोनों चीजें डेवलप होंगी, और कैसे एक इंटरकनेक्शन होगा, और ओवरऑल जो ह्यूमन स्पीशीज हैं उस टाइम की उनमें डेवलपमेंट होगा. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे थ्रू दिस टेबल. द टेबल इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 13. ऑल्सो इट इज क्लियरली विजिबल ऑन योर स्क्रीन, so it will help us to understand the things. हमने पता है कि early human beings जो है उनको हमने अलग अलग level पे classify किया हुआ है, और एक दूसरे से हम उनको अलग किस किस चीजों में करते हैं, उनके bone structure में, skull size में, उनके hands के हम बोलेंगे pattern में जिस तरीके से develop है, अगर वो bipedal थे या अभी भी quadrupedal ही थे, तो हम उनके अलग अलग चीजों से ये पता करते हैं कि कैसे हर फेज पे एक डेवलपमेंट हुआ था. तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक जो इवॉल्व हुए हैं, ये जिस पूरे प्रोसेस के थ्रू हुए हैं या जिस रीजन से हुए हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, नाउ दिस टेबल इज क्लियरली विजिबल ऑन योर स्क्रीन, एंड यू विल नोटिस that they are clearly telling us that the development in one box is directly related to the development in the other two or three boxes, the one connected to it. ठीक है, तो the arrows pointing towards a box indicates how it influences that particular development.
अब देखो हम बोल रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली स्कल साइज से और बाकी साइंटिफिक टेक्निक से हमने पता कर लिया कि ब्रेन साइज जो है वो जो स्पीशीज है उनका डेवलप हो रहा था. ब्रेन साइज इंक्रीज हो रहा है का मतलब क्या है, उनकी कैपेसिटी ऑफ ब्रेन टू थिंक टू बेसिकली ट्राई टू क्रिएट न्यू थिंग्स है ना, वो सारी चीजें डेवलप हो रही थी इस टाइम पे. तो इसका इम्पैक्ट किस पे था, उनका विजुअल सर्विलियंस पड़ा, चीजों को ऑब्जर्व करने का तरीका, कैसे क्या चीज जो है हम इसको यूज करके कोई टूल बना सकते हैं, किस टाइप से उसको यूज कर सकते हैं. उसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस इनकी जो वॉकिंग है, फॉर हंटिंग, फॉर कलेक्टिंग, गैदरिंग द फूड आइटम्स, वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है. अब अंडरस्टैंड, अगर आपका विजुअल सर्वेलियंस अच्छा हो रहा है, आपकी आईसाइट अच्छी हो रही है, आपका चीजों को ऑब्जर्व करने का तरीका सिर्फ विजुअल आईसाइट से, मतलब यहाँ पे उसका विजुअल सर्वेलियंस चेकआउट करना कि कैसी चीज है वो आगे कैसे यूज हो सकती है, स्पेशली अगर इनके टर्म्स में बोले तो टूल्स के फॉर्म में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. आप सोचोगे तो अगेन आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी आपस में ये इंटरलिंक हो गए. यू कैन क्लियरली सी द एरो एज वेल. ओके, यानी दिस विल लीड टू, दैट मींस इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेन एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन विल लीड टू इंक्रीज इन विजुअल सर्वेलेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग. ओके, वेयर एज दिस विल अगेन लीड टू इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेन. अब इसी तरीके से आपका अगर ब्रेन साइज इंप्रूव हुआ है, कैपेसिटी इंप्रूव हुई है, तो आप सोचोगे टूल टेक्निक्स, टूल बेटर कैसे बनाओ. टूल बेटर बनाने के लिए आपको फिर दिमाग चलाना पड़ेगा, आपकी ब्रेन एक्सरसाइज होगी. ब्रेन एक्सरसाइज होगी तो ऑब्वियसली आपकी ब्रेन की कैपेसिटी वापस इंक्रीज होगी, तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन योर ब्रेन साइज एंड कैपेसिटी टू थिंक. अब आप इसी तरीके से विजुअल सर्विलियंस के कारण अगर आप जो टूल है उसको क्या कर रहे हो, इफ यू आर समवेयर मेकिंग मोर ऑफ टूल्स है, तो आपका ये वाला जो टूल मेकिंग इंप्रूव होगी, टूल मेकिंग इंप्रूव होगी. तो अगर अगेन आप चीजों को अच्छे से क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे और उसको और बेटर करोगे. इसके अलावा आप हंटिंग वगैरह में भी उस टूल मेकिंग से आपकी हंटिंग वगैरह ऑब्वियसली इंप्रूव होगी. ओके, अगेन इसको अगर रिलेट करें, हमने बोला लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग होगी तो ये लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अपराइट वॉकिंग के लिए. अपराइट वॉकिंग करेंगे तो अगेन इनका विजुअल सर्विलेंस और हंटिंग इंप्रूव होगी. यहाँ पे अपराइट वॉकिंग है तो ऑब्वियसली ये टूल मेकिंग बेटर होगी, हैंड्स फ्री होंगे, ज्यादा अच्छे से ये बना पाएंगे और फिर टूल मेकिंग के कारण और इजी होगी इनकी चीज, अपराइट वॉकिंग हो जाएगी. अगेन अगर इसी को और हम आगे रिलेट करें, तो जब इनके अपराइट वॉकिंग होगी, हैंड्स फ्री होंगे, तो हैंड से वो टूल्स बेटर यूज करेंगे, कैरी बेटर कर सकेंगे इन्फेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, बच्चों का ध्यान रख सकेंगे, और वो भी वापस से आपके अपराइट वॉकिंग को और इम्प्रूव करेगी, और इससे फाइनली आपका वापस क्या होगा, टूल मेकिंग डेवलप होगा. ऑब्वियसली हैंड्स फ्री होंगे, टूल्स को यूज करना, बेटर करना, यानी सारी चीजें जो हैं वो आपस में क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटर रिलेटेड है. एक में अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट होगा, ऑब्वियसली आप उसको और इम्प्रूव करोगे नेक्स्ट टाइम, एंड बिकॉज ऑफ विच वॉट विल हैपन, द अल्टीमेट रिजल्ट विल बी द इनिशियली जो चीज स्टार्ट हुई थी वो इटसेल्फ डेवलप होगी. सो इन योर डेली लाइफ ऑल्सो, इफ यू सक्सीड इन समथिंग, यू विल नेक्स्ट टाइम ट्राई टू बी मोर इनोवेटिव, और यू विल ट्राई टू डू दैट थिंग बेटर नेक्स्ट टाइम, एंड ऑब्वियसली इट विल समवेयर इंक्लूड यूजिंग योर मोर ब्रेन, मोर क्रिएटिविटी, और वो आप यूज करोगे तो नेक्स्ट टाइम जो भी आपका टास्क था, जो भी आपका वर्क था, वो और इम्प्रूव होगा. दैट मीन्स ये साइकिल चलता रहेगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट विल बी देयर. पॉजिटिव फीडबैक मतलब आपका जो रिस्पॉन्स था आपका काम करने का, वो क्या हुआ, वो एक पॉजिटिव टर्म्स में चला, क्योंकि वो पॉजिटिव हुआ तो ऑब्वियसली उससे आपको एक मोटिवेशन मिली और आपने उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश की. तो समवेयर हम बोलेंगे मोटिवेशन जैसे है, पॉजिटिव फैक्टर जो है, या ग्रेट रिजल्ट्स बीइंग समवेयर जो आप करना चाहते थे उसमें अच्छी तरीके से आपने अकम्प्लिश किया, इम्प्रूव किया, इट विल अल्टीमेटली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द थिंग विथ विच यू स्टार्टेड, और आपकी दोनों चीजें डेवलप होती रहे और इवॉल्व होते रहोगे, इम्प्रूव हो जाओगे. यू कैन
use this or you can just understand it through anything. अपना स्कूल का होमवर्क कर लो, अपना यू मे बी प्लेइंग सम सॉर्ट ऑफ गेम, उसमें एक नई टेक्निक आपको पता चले, इस तरीके से अच्छा होगा, नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करोगे उससे, उसमें आपकी गेमिंग स्किल अच्छी होगी. सो वॉट डू वी मीन बाय एयर, एक पॉजिटिव फीडबैक जो है उसके कारण एक हमेशा देर इज इम्प्रूवमेंट. दिस इज वॉट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑल्सो. ह्यूमन बींग्स जो है एक चीज में इम्प्रूवमेंट के कारण दूसरे चीज में भी इनके क्या हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्प्रूवमेंट हो रही है. ओके, सो द एरोज बेसिकली यू कैन सी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉक्स इंडिकेट हाउ डेवलपमेंट मेंशन इन द बॉक्स इन्फ्लुएंस द अदर प्रोसेस. ठीक है, तो एज इट इज स्टेटेड इन योर बुक, वील जस्ट गिव दिस ऑल्सो अगेन अ काइंड ऑफ लुक रिगार्डिंग दिस पॉजिटिव मैकेनिज्म ओनली. फॉर एग्जाम्पल जो बायपेडलिज्म है, इट इनेबल्ड ह्यूमन बींग्स टू हैव यू कैन से मोर कंट्रोल ओवर देयर हैंड्स, और हैंड्स जो है वो फ्री हो गए थे फॉर कैरिंग लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्वियसली अदर थिंग्स ऑल्सो, मतलब फॉर कैरिंग इन्फेंट्स एंड ऑब्जेक्ट. इन टर्न हैंड्स वर यूज मोर एंड मोर, जिसके कारण अपराइट वॉकिंग जो है वो एफिशियंट हो गई, क्योंकि आप हाथ को दूसरे टूल्स बनाने के लिए और बाकी चीजों के लिए यूज कर रहे हो, इसीलिए ऑब्वियसली आपको फिर दो पैरों पे ही चलना पड़ेगा. आप आगे वाले पैर जो है वो यूज करने की कोशिश भी, आगे वाले हाथ ना तो यूज करने की कोशिश करोगे जो वैसे अभी तक ये लोग यूज करते भी नहीं थे, बट आप उस हैंड्स को दूसरे काम में यूज कर रहे हो तो आप एकदम स्ट्रेट कोशिश करोगे चलने की, तो आपकी जो अपराइट वॉकिंग है वो एफिशिएंट होगी. इसके अलावा हम देखेंगे कि जैसे जैसे अगर आप जो आपके हैंड्स फ्री होंगे बायपेडलिज्म करोगे तो आपकी एनर्जी भी बहुत कम कंज्यूम होती है व्हाइल वॉकिंग एज कंपेयर टू जब आप क्वाड्रेपल थे, मतलब आप जब फोर लिम्स पे चलते थे. सो एनर्जी बची, यहाँ पे एफिशिएंसी हुई, सेविंग एनर्जी के कारण ऑब्वियसली क्या हो गया, अब वो लोग वॉकिंग से धीरे धीरे रनिंग शुरू कर दी थी. ओके, सो वी अंडरस्टैंड चीजें कैसे डेवलप हो रही है, यानी हमारे पास इनडायरेक्टेड एविडेंसेस हैं, हम ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, वी हैव एविडेंसेस, वी हैव इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ बायपेडलिज्म एज अर्ली एज 3.6 मिलियन ईयर्स अगो. 3.6 मिलियन ईयर्स अगो का हमारे पास एविडेंस है कि जो जो ये होमो सेपियंस है ये लोग क्या करते थे, बायपेडल चलते थे. और ये जो एविडेंसेस है ये बेसिकली हमारे पास फुटप्रिंट्स है, फुटप्रिंट्स जो कि फॉसिलाइज्ड हो गए हैं. हमने पहले भी पढ़ा था फॉसिल्स का मतलब कोई भी प्रिंट्स भी हो सकते हैं, कोई हम बोलेंगे एनग्रेविंग्स जैसे हो सकते हैं, बट अलोंग विद दैट रिमेन्स भी हो सकते हैं ऑफ एंशियंट में भी प्लांट्स एनिमल्स जो अंडर द प्रेशर आर बरेड इनसाइड में भी फ्यू रॉक्स और फ्यू स्टोन्स, और वो इतने सॉलिड हो जाते हैं दे टर्न इन टू फॉसिल एंड उसके रिलेशन में वो लोग क्या करते हैं, दे बिकम सो सॉलिड कि वो अपने लिए आगे जाके बहुत अच्छा एविडेंस प्रूव होते हैं जो कि डीकम्पोज भी नहीं हुए और सॉलिड फॉर्म में अपने पास अवेलेबल है. सो वी हैव फॉसिलाइज्ड होमोनिड फुटप्रिंट्स इन तंजानिया, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, तंजानिया का मेंशन हुआ है अपना ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टाइम में. Now and the other species के time में we have mentioned about this area. इसके अलावा अपने पास fossil के जो limb bones भी recovered हुए हैं from Ethiopia. तो ये तो अपने को direct evidence दे देते हैं. Limb की shape से obviously पता चल जाएगा कि किस type का वो use करते थे limbs का. Whether मतलब चार limbs पे चलते थे या दो limbs पे चलते थे, limbs की shape कैसी थी, that is upright चलते थे या hands free थे, उस हिसाब से हमें मिले हैं bones. तो direct evidence है जो proof करते हैं कि bipedalism जो है वो उस time तक बहुत somewhere use होने लग गई थी by the early human beings, या फिर हम बोल सकते हैं the precursors of modern human. Moving on, अब हम देखेंगे इस टाइम पीरियड तक क्या क्या डेवलपमेंट होगी. अब आगे वाले जो टाइम पीरियड है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिसके कारण हम देखेंगे कि
अगेन जो होमो स्पीशीज है ना वो डेवलप हो गई। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था? अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो हम देखेंगे फेज आ गया था ग्लेशिएशन का। वो क्या होता है? आइस एज बेसिकली। तो इस टाइम पीरियड में हुआ क्या था कि अर्थ का काफी एरिया जो है वो स्नो से कवर्ड हो गया था, क्योंकि इस टाइम पे बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एवोल्यूशन जो अर्थ का भी हो रहा था और उसके अराउंड के चेंजेस के कारण अर्थ के क्लाइमेट और वेजिटेशन में बहुत चेंज हुआ। द अर्थ इटसेल्फ वाज समवेयर कुछ कुछ इवॉल्व हो रहा था, तो फेज आ गया था ग्लेशिएशन का विच वाज आइस एज। अर्थ जो है पूरा स्नो से कवर हो गया था। क्लाइमेट और वेजिटेशन में क्या चेंज हो गए थे? क्लाइमेट क्या होगा? ऑब्वियसली कोल्ड हो जाएगा, तो टेम्परेचर्स तो रिड्यूस हो ही गए थे बट रेनफॉल भी रिड्यूस हो गई थी, यानी कि ड्राई पीरियड आ गया था। दैट मींस दिस वाज अ पीरियड जहाँ पे टेम्परेचर भी कम था और रेनफॉल भी कंपैरेटिवली कम होने लगती थी। तो नेचर ने, एनवायरनमेंट ने अपने आप को क्या किया? चेंज किया। कैसे चेंज किया? पहले जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज्यादा थे अब वहां पे ग्रासलैंड्स होने लग गए। यू मस्ट बी जस्ट इफ यू ट्राई टू रिकॉल इन आवर 10th क्लास, 9th 10th एंड जूनियर क्लासेस आल्सो वी हैव स्टडीड मेनी टाइम्स कि जो बहुत कोल्डर एरियाज होते हैं ना वहाँ पे ग्रासलैंड्स ज्यादा होती हैं। ओके, अल्पाइन और इन वाले एरियाज में हम पढ़ते हैं ऊपर जाके ग्रासलैंड्स ज्यादा हो जाते हैं, कोल्डन एरियाज। तो उससे रिलेट कर लो कि ड्यू टू रिडक्शन इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल क्या हुआ? ग्रासलैंड एरियाज जो है वो एक्सपैंड होने लग गए एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट तो धीरे धीरे कम होने लग गए और ग्रासलैंड्स बढ़ने लग गए। इसके कारण क्या हुआ? जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे जो ज्यादा अडेप्टेड किसके थे? फॉरेस्ट के। उनका धीरे धीरे क्या होने लग गया? एक्सटिंक्शन। किसका? अर्ली फॉर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। प्लीज ट्राई टू रिलेट थिंग। हमने पढ़ा था इन आवर प्रीवियस क्लास कि ये लोग ज्यादातर जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं इनके हैंड और इनके जो बाकी एविडेंसेस हैं बोन स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है ये ज्यादातर टाइम जो है वो ट्री पे स्पेंड करते थे। दैट मीन्स ये इस तरीके से अडेप्टेड थे फॉरेस्ट एरियाज में रहने के लिए। ट्रीज पे ज्यादा ज्यादा इनका टाइम स्पेंड होता था और उसी से ये लोग सब कुछ समय अवेल करते थे और वहीं पे रहना पसंद करते थे। बॉडी इनकी अडेप्टेड ऐसे थी, बट क्योंकि फॉरेस्ट कम होते जा रहे थे तो जो अर्ली फॉर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस है स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज सपोज कि दे ऑब्वियसली देर वॉज अ एक्सटिंक्शन ऑफ दिस स्पीशीज बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस, क्योंकि हम देखते हैं इस टाइम पीरियड में ही इनके अर्ली फॉर्म्स का एक्सटिंक्शन आ रहा है और मेजर चेंज यही होगा क्योंकि हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि ग्रासलैंड आ गया था बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज और इस क्लाइमेटिक चेंज के कारण क्योंकि फॉरेस्ट कम हो रहे थे ग्रासलैंड्स आ रहे थे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इनका एक्सटिंक्शन हो गया। किसका? अर्ली फॉर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेक। और इनकी जगह रिप्लेसमेंट हुआ एक बेटर अडेप्टेड स्पीशीज का जो ड्राई कंडीशंस में बेटर रह सकती है। ओके, यानी दे वर रिप्लेस्ड बाय अ बेटर अडेप्टेड स्पीशीज दैट कुड लिव कंपेटिवली नाइसली इन ड्रायर कंडीशंस एज उस टाइम पे थी। एंड अमंग दीज वर द अर्लीएस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ होमो। अब आ गए हैं हमारे कौन? होमो। सो होमोज आर बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड द ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच वर मोर अडेप्टेड टू द ड्रायर काइंड ऑफ क्लाइमेट। और ये जो होमो है ये टर्म जो है इसका मतलब होता है मैन, बेसिकली लैटिन वर्ड है ये विच मीन्स मैन। ओके, ऑब्वियसली मैन एंड वुमेन दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें। अब होमो जो है वो एक बेटर और एक डेवलप्ड स्पीशीज थी इस टाइम पीरियड के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से एंड ओवरऑल भी। सो दैट इज व्हाई समवेयर हम बोल सकते हैं ये काफी कुछ रिलेटेड थे टू मैन। अगेन अंडरस्टैंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हमने एप का नाम रखा है इनिशियली, अब हम आ गए हैं होमो पे। ओके,
होमो को साइंटिस्ट ने डिस्टिंग्विश किया है अलग अलग टाइप्स में डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी टिपिकल. दैट मीन्स वॉट वर द मेन यू कैन से काइंड ऑफ चेंजेस एंड देयर मेन टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बेसिस पे उनको नेम असाइन किए गए. अब देखो basically we will come across three important terms in our chapter. We have homo habilis, homo erectus and homo sapiens. As you can see on your screen clearly jo homo habilis the, homo habilis hamare the tool maker. theek hai, yani inki jo tool making techniques thi wo better ho gayi. homo erectus kaun the, upright man, प्रॉपर अपराइट चलते थे स्ट्रेट. देन वी हैव होमो सेपियंस, होमो सेपियंस आ जाता है वाइस एंड द थिंकिंग मैन, यू कैन से वन ऑफ द डेवलप्ड स्पीशीज. ठीक है, तो अगेन जस्ट यू नीड टू रिमेम्बर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आ गए थे हमारे होमो. जो हमारे होमो है इनको हमने इन बेसिकली वैसे बहुत सारे और सीरीज थे पर बेसिक हम वील स्टडी ओनली थ्री ऑफ देम, दैट इज होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस. अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक दे हैव बीन नेम्ड. ठीक है, आई सपोज दिस इज क्लियर. अब हम बिफोर मूविंग ऑन टू द मोर डिटेल्स ऑफ इट कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं कि हमें इनसे रिलेटेड एविडेंसेस कहाँ मिले. ओके, तो हम देखेंगे जो होमो हैबिलिस के हमारे स्पीशीज और इनके जो फॉसिल्स हैं वो हमें अगेन मिले हैं इथोपिया से होमो, और जो हमने ओल्डुवाई गॉड्स के बारे में पढ़ा था तंजानिया, वहां से भी मिले. सो फॉसिल्स ऑफ होमो हैबिलिस हैव बीन डिस्कवर्ड एट होमो इन इथोपिया एंड एट ओल्डुवाई गॉड्स इन तंजानिया. उसके बाद जो अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस मिले हैं वो अपने को अफ्रीका और एशिया दोनों में मिले हैं. देयर आर सर्टेन नेम्स दैट यू विल हैव टू रिमेम्बर, ओके, लाइक कुबीफोरा, वेस्ट तुर्काना, कीनिया, मोर्जो केटो एंड संगीरेन एंड जावा, ये हैं जो अपने को नाम याद रखने पड़ेंगे. यहाँ से अपने को क्या मिले हैं, अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस. ओके, and then as the finds in Asia belong to later date, hame ye obviously zyada tar aise hi milega, most of the cases hame yahi milega ki jo species hame Africa mein mili hai wo earlier date pe mili hai as compared to the species in Asia or Europe. to yahan pe bhi jo hame Asia or Europe mein mili hai species aur jo fossils aur evidences mile hain wo date karte hain Africa mein purane hain as compared to the findings in Asia. ठीक है, इसलिए लोग बोलते हैं, मतलब scholars basically, कि हो सकता है जो hominids थे they must have migrated from East Africa to southern and northern Africa and then to southern and northeastern Asia and then perhaps to Europe sometime between 2 and 1.5 million years ago. And these species basically survive for nearly a million years. देखो सीधी सी बात है यहाँ पे, because हमें history में समझनी ही पड़ेगी चीज और हमें evidences के basis पे चीजों को interpret करके उसका मतलब निकाल के किसी fixed point पे पहुंचना पड़ेगा, strong analysis, strong fact. तो यहाँ पे because we have got lot of evidences of hominids, it is being thought that हो सकता है जो hominids हैं, these hominids must have migrated from East Africa to southern and northern Africa, then from southern and northeastern Asia, and obviously then perhaps to Europe around 2 to 1.5 billion years ago, क्योंकि इस time period के अपने को इनके fossils मिलते हैं. Okay, so this is basically if we talk in terms of how these homos developed. Okay, so we get to know about these through obviously fossils and the other evidence. Up now since we are talking about
homo only. Let us have few other, you can say, information relating to this species. हमें ये तो पता चल गया है कि हमने जनरली इनको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट इसके बेसिस पे क्या किया है, नेम किया है. बट समटाइम्स इनको हम नेमिंग जो है जिस प्लेस से इनके फॉसिल्स मिले हैं उसके नेम पे भी हम मतलब उस बेसिस पे भी हम इनको नेम कर देते हैं. सो बेसिकली इन सम इंस्टेंसेस द नेम ऑफ द नेम फॉर फॉसिल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द प्लेसेस वेयर द फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप वॉज फाउंड. सो अगर हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल फॉसिल्स फाउंड इन हेडलबर्ग विच इज अ सिटी इन जर्मनी, इनको हम क्या नाम दे देते हैं, होमो हेडलबर्ग जेनेसिस. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हेडलबर्ग में मिली है इसीलिए होमो वही है, हेडलबर्ग वही है, जेनेसिस आगे लिख दिया. ओके, तो इसके बेसिस पे हम उन फॉसिल्स को नेम कर दें. वाइल द वंस दैट आर फाउंड इन नियंडर वैली, उनको हम होमो नियंडरथेल, तो नियंडर वैली में मिला इसलिए नियंडरथेल थेले कर दिया, नेसिस. ओके, सो नियंडरथेल नेसिस. ओके, ये हमने किस बेसिस पे नेम किया है कि जहां पे इनकी फॉसिल्स जहां से अपने को सबसे फर्स्ट टाइम मिली है उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, उन फॉसिल्स को नेम कर देते हैं. सो दिस इज हाउ द हिस्टोरियंस name various kind of evidences that they get and uske basis pe hum name kar dete hain those species and those evidences. Now because we have mentioned about them, let us also have a brief kind of more information regarding them. Jo earliest fossils hai from Europe are of homo, what is the name, हेडलबर्ग जेनेसिस. ठीक है, होमो हेडलबर्ग जेनेसिस की जो हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं और जो होमो नियंडरथेलनेसिस है उनके भी. ओके, होमो नियंडरथेलनेसिस, ये इनके अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें मिले हैं फ्रॉम यूरोप. बोथ जो है दे बिलोंग टू आर्केइक होमो सेपियंस. आर्केइक मतलब पुराने टाइप के, ओल्डर वर्जन. ठीक है, तो आर्केइक होमो सेपियंस के, ओल्ड होमो सेपियंस के हैं ये जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं. जो फॉसिल्स ऑफ हेडलबर्ग जेनेसिस का है वो हमें बेसिकली देखते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन वाइड है. वाइड मतलब बहुत ज्यादा एरिया पे हमें इनके एविडेंसेस मिले हैं. अफ्रीका में भी मिले हैं, एशिया में भी मिले हैं, यूरोप में भी मिले हैं. ठीक है, सो ये है हमारे होमो हेल्डर होमो हेडलबर्ग जेनेसिस. ठीक है, होमो हेडलबर्ग जेनेसिस के एविडेंसेस वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, सब जगह मिले हैं. और नियंडरथेल्स जो हैं वो हम देखेंगे ऑक्यूपाइड यूरोप वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया. बेसिकली यूरोप वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रफली बिटवीन 130,000 to 35,000 ईयर्स अगो. इस टाइम पीरियड के बीच में हमें अब्रप्टली इनके मिलते हैं एविडेंसेस. और उसके बाद ऐसे लगता है अब्रप्टली मतलब क्लियर अपने को पता नहीं है, अचानक से बिकॉज ऑफ सम रीजन ऐसे लग रहा है दे टोटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप अराउंड 35,000. यानी नियंडरथेल्स जो है वो अपने को रफली यूरोप और वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में 130,000 से 35,000 ईयर्स अगो तक मिलते हैं. ठीक है, और 35,000 ईयर्स के बाद लगता है अब्रप्टली पता नहीं हाउ कम एंड वेयर दे हैव डिसअपीयर्ड, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाई डिड हैपन, ये दिस इज समथिंग व्हिच इज स्टिल नॉट क्लियर फॉर द हिस्टोरियंस. तो इन जनरल अगर हम करें कंपेयर टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो जो है उनके अपने पास है लार्जर ब्रेन, लार्जर जॉज विथ रिड्यूस आउटवर्ड प्रोट्रूशन एंड स्मॉलर टीथ. ठीक है, तो यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच में अगर हम कंपेरिजन करना चाहें, बिकॉज हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस अच्छे से कर लिया है, हमने होमो के बारे में भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है, कैसे होते हैं, क्या डेवलपमेंट है उनकी, ये सारी चीजें. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, अगेन
होमो बेटर वर्जन होगा क्योंकि होमो बाद में इम्प्रूव हुआ, बाद में डेवलप हुआ है। तो होमो जो है उनके हैं लार्जर ब्रेन, जॉस की साइज रिड्यूस हो गया है और जो टीथ है वो बाहर की तरफ नहीं निकले हुए, अंदर की तरफ है और स्मॉलर साइज के। और क्योंकि ब्रेन साइज इंक्रीज हुआ है इसीलिए क्या होगा, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, उनके मेमोरी ज्यादा होगी, डेवलप होंगी। चेंजेस इन जॉ और टीथ क्यों है, प्रॉबेबली उनकी जो डाइटरी हैबिट्स है वो चेंज हो गई होगी, जिस हिसाब से वो खाते थे चीजें वो चेंज हो गई, इसीलिए धीरे 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 उनका टीथ और जॉ का जो जिस तरीके से वो बने हुए थे, जो उनका स्ट्रक्चर था वो चेंज हो। दैट मीन्स ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो में मेन जो ब्रेन का डिफरेंस था, ब्रेन साइज जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस से बड़ा था होमो का, जिसका मतलब क्या है, वो इंटेलिजेंट थे, बेटर उनकी दिमाग में रिटेंशन और दिमाग ज्यादा था, मेमोरी ज्यादा था, कैपेसिटी ब्रेन साइज बड़ा। इसके बाद हम देखेंगे कि उनके जो जॉ और टीथ जो हैं वो छोटे हो गए थे, अंदर की साइड बेटर फॉर्म जैसे हो गई थी इवॉल्व, क्यों, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि उनकी जो डाइटरी हैबिट्स है वो चेंज हो गई। नाउ दिस इज अ टेबल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 15 इन योर बुक। बेसिकली कहाँ पे हमें कौन कौन से स्पीशीज मिले थे वो दिया हुआ है। 5 to 1 million years ago तक अपने सब सहारन अफ्रीका वाले रीजन में ऑस्ट्रेलोपिथिकस अर्ली होमो होमो इरेक्टस के अपने पास एविडेंस है। 1 million years से 40,000 years ago तक अपने पास एविडेंसेस है अफ्रीका एशिया यूरोप में मिड लैटिट्यूड वाले एरिया में, और यहाँ पे स्पीशीज है होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस आर्केइक भी है मॉडर्न वाले, मतलब थोड़े प्रेजेंट, मतलब पहले एकदम पुराने वाले, उसके बाद नॉर्मल होमोसेपियन सेपियन भी है जिनको हम मॉडर्न ह्यूमंस बोलते हैं, नियांडरथेल्स, यानी होमो इरेक्टस, आर्किक, होमोसेपियंस, नियांडरथेल्स, होमोसेपियन सेपियन, मॉडर्न ह्यूमंस। 45,000 ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलिया में मॉडर्न ह्यूमंस मिले, 40,000 ईयर्स अगो टू प्रेजेंट ऑब्वियसली अपने मॉडर्न यूरोप इन हाई लैटिट्यूड्स और एशिया पैसिफिक आइलैंड्स में अभी भी लेट नियांडरथेल्स और मॉडर्न ह्यूमंस, और ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ अमेरिका डेजर्ट रेन फॉरेस्ट, अपने पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमन स्पीशीज और कैसे वो डेवलप हुए थे एंड हाउ फाइनली जो अपना मॉडर्न ह्यूमन बींग है वो कैसे डेवलप हुआ था। तो अभी तक हमें हमने बेसिकली होमो सेपियन से रिलेटेड होमो तक पहुंच गए हैं, हम होमो सेपियंस तक। अब हम इन आवर नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग, ठीक है, यानी मॉडर्न ह्यूमन बींग्स कैसे डेवलप हुए, कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव किए और उसके बाद उसी से रिलेटेड इसी सारे टाइप के डेवलप। ओके, तो आई सपोज आज जितना हमने किया है इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल, जितना भी हमने पढ़ा है गिव इट अ रीडिंग सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कम बैक विद योर प्रॉब्लम्स एंड वील डिस्कस एंड सॉल्व दी प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, नाउ मीट यू ऑल इन दी नेक्स्ट क्लास।